पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद थे। भारत सरकार ने कतर की कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए गुरुवार को कहा कि कतर में फंसे भारतीय नागरिक की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। आइए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कतर की अदालत ने जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश। कतर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व सैनिकों में से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्ण तिवारी भी शामिल हैं। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था।